দাদা मैं चेन्नई में श्याम मंदिर में कीर्तन भाग से 10 साल पहले 2 घंटे गा लिया, पसीने पसीने हो गया, पागल हो गया। माइक वाले को नहीं समझा पाया, माइक वाले को नहीं समझा पाया। मेरे बगल में कोई आदमी बैठा था, वो अपने भाई को, उसने कहा अन्ना। मैंने कहा भाई इसका मतलब भाई। मैंने माइक वाले को कहा अन्ना 2 मिनट में माइक सही हो गया। सामने खड़ा अमरावती गया महाराष्ट्र में, वहां पर भी समझा समझा कर थक गया। फिर बाद में याद आया कि भाई भैया भाई को क्या बोलते हैं भाऊ। मैंने कहा भाऊ सही हो मोटा भाई। आइए इसके अलावा कुछ उपाय हो तो। उसने कहा कम से कम 200 मीटर दूर रहना माइक से। मैंने कहा सर इतना बड़ा पंडाल तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं बना कि दरबार से 600 फुट दूर जाकर मैं गाऊं, नहीं हो सकता सर। उसने कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा सर आपके पास आया अब उसके पास जाऊंगा तो सब कुछ कर सकते। दरबार में खड़ा होकर आज कहता हूं हाईकोर्ट में एक ही बात कहा, जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बाबा, तेरी कसम नहीं चाहिए, कल खत्म कर देना। जब तक जीऊंगी घर में ना बैठा ऐसा नहीं हो कि तेरा भजन नहीं कर पाऊं, तेरा भजन नहीं सुन पाऊं। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बहुत दिया बहुत। जगत का भिखारी था, तूने अपने दर का भिखारी बना दिया। इससे श्याम थारो नाम, श्याम थारो नाम लागे भगतन थारो है। Thank you.
Yeah.